विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उसके द्वितीय अध्याय जिसका शीर्षक है तलाश, उसका अध्ययन करेंगे और इसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा गया है और लेखक जो है भारत की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है यहाँ। तो इसकी व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये पुस्तक की क्या विशेषता है और ये जो शीर्षक है तलाश, इसमें लेखक ने क्या लिखा है और वो क्या समझाना चाहते हैं। तो जो भारत की खोज है, इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम सभी लोग जानते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपने कारावास के समय में, यानी जब 1944 ईस्वी में वे बंद थे अहमदनगर के किले में, अहमदनगर के किले को उस समय जेल के रूप में प्रयोग में लाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें भारतीय कैदियों को रखा जाता था और उसी में अपने भारतीय दोस्तों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कैद थे, जिन्होंने 1944 ईस्वी में अप्रैल से सितंबर लगभग 5 महीने के अंदर इन्होंने उस किले में रहते हुए, यानी उस जेल में बंद रहते हुए इस पुस्तक को लिखा था। और इस पुस्तक को लिखने के पीछे उन्होंने श्रेय दिया था अपने अन्य भारतीय बंधुओं को, क्योंकि वो आपस में सभी लोग डिस्कस किया करते थे भारत की सभ्यता, संस्कृत, भारतीय इतिहास, भारत का अतीत काल क्या था, अब वो धीरे धीरे प्रगति के राह पर जा रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ। इसमें चर्चा करने के बाद जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो आइए शुरू करते हैं। जो शीर्षक है तलाश और उसमें एक उपशीर्षक इसका है भारत के अतीत की झांकी। अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, जो बीत चुका हो, पास्ट या भूतकाल, और झांकी एक मॉडल, एक प्रारूप, यानी भारत का बीते हुए समय या पिछले समयों में या भूतकाल में उसका प्रारूप कैसा रहा है, उसकी संस्कृति कैसी रही है, उसकी सभ्यता कैसी रही है, वो किस प्रकार से, किस गति से प्रगति करता रहा है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। इसको शुरू करने से पहले दो शब्द और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं दो शब्दों में ये लगभग पूरी पुस्तक लिखी गई है। हर जगह ये शब्द आपको मिलेंगे, संस्कृति और सभ्यता, ये दो शब्द आपको हर जगह मिलेंगे। तो संस्कृति का अर्थ होता है संस्कार से, यानी अतीत के लोगों का संस्कार कैसा रहा, वर्तमान समय में लोगों का संस्कार कैसा रहा है, हम अपने संस्कार के साथ जी रहे हैं। तो संस्कृत अर्थात संस्कार, यानी जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, यानी उनके संस्कार लोगों के कैसे रहे हैं, ये उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और सभ्यता का अर्थ है कि लोगों की जीवन शैली, रहन सहन, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका खान पान जो है वो कैसा रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर इसमें लेखक ने भारतीय संस्कार और भारतीय आचरण या जीवन शैली के बारे में उन्होंने लिखा है और हमें इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है, इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। अर्थात लेखक यहाँ पे
ये बताना चाहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि अब मेरे मन में भारत ही भारत था। और कब, जब वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं राजनैतिक रूप से या सामाजिक रूप से उसे जानने के लिए, वो जो है भारत भ्रमण पर निकलते हैं, और भारत भ्रमण के साथ साथ ही वो भारत को और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समझते हैं, तब उनके मन में भारत के प्रति अनेक प्रकार की विचारधाराएं जो हैं विकसित हो रही हैं। इसलिए वो कह रहे हैं अब मेरे मन में सिर्फ भारत ही भारत रहा है। अब वो क्रमशः धीरे धीरे अपने विचारों को या भारत के प्रति अपने नवीन विचारों को हमारे सामने प्रकट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ जो वो लाइन दी हुई है कि भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक यानी आलोचना करने वाला, गुण दोषों को बताने वाला उसके, जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। अब इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि इनका प्रारंभ में झुकाव पश्चिमी सभ्यता की तरफ था। उन्हें लगता था कि पश्चिमी सभ्यता जो है कहीं ना कहीं हम लोगों से अत्यंत विकसित है, आगे है। लेकिन जब वो भारत भ्रमण करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और भारत की संस्कृति और सभ्यता से पूरी तरह परिचित होते हैं, तो उन्हें आभास होता है कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन है और भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे अनोखी संस्कृति है और सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। आगे देखिए, मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो मुख्य तौर से है, बाकी आप पढ़ेंगे और जो भी समस्या आएगी आप पूछेंगे, मैं इसका संक्षिप्त जो है सारांश आपके सामने रख रहा हूँ। ये पुस्तक एक माध्यम है। हाँ, इसके बाद इसमें जो है दिया हुआ है अगली पैराग्राफ, जो अगला पैराग्राफ है, हाँ देखिए, एक फिगर के साथ यहाँ पे मोहनजोदड़ो की एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार। अब यहाँ पे वो सिंधु घाटी की सभ्यता की कुछ विशेषताएं बताते हैं। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं। अब यहाँ पे शब्द आया है प्राचीन नगर, प्राचीन नगर अर्थात यह जो मोहनजोदड़ो था वह सिंधु घाटी में स्थित था और एक प्राचीन नगर था। इसकी विशेषताएं थी पक्की नालियां, सड़कें, और ये दर्शाती थी किसी न किसी प्रकार से ये कि यहाँ का मानव समाज जो है विकसित था, प्रगतिशील था। इसके संबंध जो हैं सिर्फ अपने यहाँ के राज्यों से ही नहीं, अपने अगल बगल के राज्यों से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी था। जैसे ये व्यापार के माध्यम से फारस, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर, तमाम जो है देशों से जुड़े हुए थे, व्यापारिक संबंध थे। यहाँ के लोग सामानों का आदान प्रदान करते थे, व्यापार करते थे। तो इस वजह से इस नगर का पूर्ण रूपेण जो है विकास हुआ, यहाँ के लोगों का विकास हुआ। तो यहाँ उन्होंने बताया है सिंधु घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगरों की विशेषताएं क्या थी, वहाँ के लोगों की क्या विशेषताएं थीं, इसके बारे में इन्होंने डिटेल में लिखा है। इसके बाद जो है आगे है, यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी कैसे रहे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय संस्कृति जो है सबसे प्राचीन संस्कृति है, चीन और भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो लेखक यहाँ पे आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि आश्चर्य है कि कोई संस्कृति इतनी पुरानी या सभ्यता इतनी पुरानी जो है 5-6 हजार वर्ष तक कैसे अपने अस्तित्व को बनाए रख सकती है।
वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकास समान रहकर, अर्थात यह निरंतर जो है यह प्रगतिशील रही, ये नहीं कि स्थिर रही और इसका अस्तित्व मिट गया, नहीं। तो यहाँ कुल मिला जुला कर भारतीय संस्कृति की प्राचीनता ये कितनी प्राचीन है और अपने अस्तित्व को बनाए रखी, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। हाँ, और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्राचीन नगर थे इनका सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं, अपने देश में ही नहीं, विदेश में भी इनका संपर्क था, यानी व्यापारिक संपर्क। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फारस, देखिए फारस, ग्रीस, चीन, भूमध्य सागर के लोगों से उनका बराबर निकट संपर्क रहा है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जो है अगला है पैराग्राफ, मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। यहाँ मैं मुख्य मुख्य जो लाइन्स हैं उनको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक चीज़ें जो है मैं कवर कर सकूँ इससे संबंधित। आप इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, जो समस्या आएगी आप पूछेंगे, नहीं संकोच पूछिएगा, फिर से कहेंगे मैं फिर से बताऊँगा, घबराइएगा नहीं। हाँ देखिए यहाँ दिया, मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्ध, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपके जो बसंत भाग तीन पुस्तक है उसके शब्दों की अपेक्षा इसके शब्द थोड़ा जटिल हैं, तो घबराने की बात नहीं है, जहाँ ऐसे जटिल शब्द आएंगे मैं उसका अर्थ आपको बताता जाऊँगा। हाँ, तो इसमें जो है बात कर रहे थे, यानी लेखक ने बताया है, इसमें लिखा है कि किस तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यानी मोहनजोदड़ो, यहाँ के लोगों का संपर्क कैसे सिर्फ अपने देश में न होकर विदेशों में भी था। जैसे कि इसमें यहाँ लिखा है कि ये फारस, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर यहाँ तक जो है फैला हुआ था। इसके बाद लेखक ने लिखा है कि मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में, स्थानों के नाम हैं, जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। मिथक का मतलब प्राचीनता को नवीनता से जुड़ना, ये मिथक हो गया, और दंत कथाओं का मतलब होता है कि केवल जो मुख से, यानी मुख से बोलकर ऐसी कथा जो लोग केवल एक दूसरे से मौखिक ही सुनते हैं, जिसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं होता है, उसको हम दंत कथा कहते हैं, के साथ निकट संबंध है, जिससे हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज इन्होंने और यहाँ पे लिखा है कि ये आपको जानना चाहिए कि इंडस या सिंध, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, सॉरी जिसका नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रहीं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि किस तरह से इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडस से इंडिया पड़ा और उसके बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम तो माना जाता है कि इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, अर्थात ये हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, इसलिए वहाँ से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब अगला है ब्रह्मपुत्र, इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ कैसी थीं, ठीक है, सिंधु नदी घाटी के बारे में इन्होंने बताया, उनकी विशेषताओं के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो कुल मिला जुला कर उनकी विशेषताओं का वर्णन किया है, वहाँ के
पहाड़ों का, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा, रमणीय का मतलब होता है सुंदर सुशोभित। तो कुल मिलाकर जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन किया है लेखक ने, जो सिंधु घाटी से लेकर और वर्तमान समय तक अर्थात 1947 तक का वर्णन इन्होंने किया है कि किस तरह से अपने प्राचीन समय से लेकर और अब तक भारत जो है अपनी संस्कृति और सभ्यता का निरंतर विकास करता रहा, प्रगति होती रही और वह अपने अस्तित्व को बनाए रखा। अब उसके लिए कई उदाहरण देते हैं, जैसे वहाँ के नगरों के बारे में, लोगों का रहन सहन, लोगों के रीति रिवाज या विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताएं कैसे हैं उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो कुल मिलाकर इसमें यही बताया गया है। इसके बाद जो है ये आगे आप पढ़िएगा जो वही आपको मिलेगा। देखिए जहाँ जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जब पुरानी मूर्तियों, भित्ति चित्रों का मतलब होता है कि जो दीवारों पर जो चित्र उकेरे गए हैं, बनाए गए, जनता एलोरा की गुफाओं का वर्णन, आगरा और दिल्ली की इमारतों का वर्णन इन्होंने किया है। यानी कुल मिलाकर तलाश नामक शीर्षक में ये तलाश करते हैं भारत को कि क्या है भारत, कहाँ है भारत, भारत जो है क्या आप कह सकते हैं कि विभिन्न भग्नावशेषों में है, यानी खंडहरों में स्थित है, भारतीय खंडहरों में भारत की संस्कृत सभ्यता दिख जाती है, या प्राचीनतम की ओर ले जाएं, प्राचीन विचारों की तरफ ले जाएं तो सिंधु घाटी की सभ्यता और ब्रह्मपुत्र की सभ्यता की तरफ। तो कुल मिला जुला कर ये भारत की तलाश करते हैं, अर्थात भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वर्णन करते हैं विभिन्न माध्यमों से। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही।